गो मातरम भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल या राजीव दीक्षित कैंसर अनुसंधान संस्थान, उसका एक ही लक्ष्य है कि दुनिया से कैंसर बिल्कुल समाप्त हो जाए। और अगर कैंसर को हराना है तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कैंसर के कारण पे, और अब तक 39 कारण हमारी संस्था रिसर्च करके दे चुकी है। और साथ में हमने पैरलर एक और फैसिलिटी शुरू की है, और जो बिल्कुल निःशुल्क है उन लोगों के लिए जिनके घरों पे कैंसर से मौत हुई है। ऐसे सभी परिवारों को ये संस्था इंश्योर करेगी कि आपके घर पे अगला कैंसर रोगी ना हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था की तरफ से है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया जाएगा, पोस्टर के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क करके अपना परिवार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हमारे जो हेल्थ एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो स्वास्थ्य रक्षक हैं, जीवन चिकित्सक जो हैं, वो आपको फोन करेंगे, आपके पूरे परिवार के डाटा को मैप करेंगे, और आपको हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट मिलेगा जिससे आपको कैंसर ना हो। कैंसर के वैसे तो 39 कारण हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक और मेजर जो कारण है जो इस बुक में भी लिखा है, वो जो कारण है कि जब इंस्टेंट आपको कहीं चोट लगती है, खास करके ब्रेन में चोट लगती है, तो उस समय हमारे शरीर में गांठे फॉर्म होने लगती है, यानी खून एक जगह एकत्रित हो जाता है, और भविष्य में चल के वही खून की जो कोशिकाएं हैं वो डेड सेल्स हैं, उनकी डीएनए में जाके उनकी मेमोरी चेंज होती है, वही कैंसर में कन्वर्ट होने की पूरी संभावना होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी आपको कहीं चोट लगे तो तुरंत दूध के अंदर हल्दी और दालचीनी डाल के उबाल के पिलाइए, साथ में थोड़ा काली मिर्ची दीजिए, और कुछ समय तक जिसको भी चोट लगी है उसको ऐसी डाइट दीजिए जिसकी तासीर उष्ण है, जो रक्त को जो है तेजी से प्रवाह करे, और जो रक्त की क्लोटिंग बन गई है उसे डिजोल्व करे। आज मेरे साथ एक प्रैक्टिकल केस है, हमारे साथी हैं, और बचपन में इनकी माता जी को इसी प्रकार से कैंसर हुआ था, इनके मुख से हम जानेंगे किस प्रकार से कैंसर हुआ था। भाई जी बताएं। वो मम्मी थोड़ी सी काम वगैरह कर रही थी जी, तो वो पैर फिसलने से उनकी बाल्टी के ऊपर से लग गया, पैर फिसलने से सर बाल्टी के ऊपर लग गया जी, और वो फिर ऐसे ही टाल मटोल होगी क्योंकि उस टाइम भी इतना इतनी जागरूकता नहीं थी। तो डॉक्टर भी कहीं कहीं होते थे बहुत दूर से, गांव में तो कहां फिर इतना होता था डॉक्टर नहीं होते, वो नॉर्मली ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन वही बाद में जब जाके कई साल बाद जब वो एक्सरे वगैरह करवाने से एमआरआई करवाया तो उसने डॉक्टरों ने बताया कि वो जो क्लॉट इकट्ठा हो गए उसने कैंसर का रूप धारण कर लिया। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, मैं बार बार आपको अनेकों प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कैंसर किसी को होना, अगर हो गया है तो उसे प्राकृतिक तरीके से कितनी संभावना हम उसे बचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बचाना संभव नहीं है, लेकिन ये निश्चित है हमारा एक एक जीवन चिकित्सक आपको ये इंश्योर कर देगा कि आपके घर पे कैंसर ना हो, और ये सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए जिनके घरों पे कैंसर से मौत हुई है। तो आप जुड़िए, और इस पुस्तक का पीडीएफ आप व्हाट्सएप करवा के मंगा सकते हैं। इस पुस्तक में कैंसर के सारे कारण है, और अगर हो जाए तो कैसे ठीक करना है, और लास्ट में 500 रोगियों की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपने आप से जीवन चिकित्सा पद्धति से कैंसर ठीक किया, और अब तक 1050 प्लस कैंसर रोगी ठीक हो चुके हैं। आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। वंदे मातरम, जय भारत।